जिंदा हैं तो बीमार पड़ेंगे ही, कभी मौसम बदलने से तो कभी कुछ गलत सलत खाने के चक्कर में, कारण कुछ भी हो लेकिन बीमारी का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और वे हमें कुछ दवाइयाँ लिखकर रफा दफा कर देते। इसमें कुछ टैबलेट और कैप्सूल होते हैं, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि दवा में ज़्यादातर कैप्सूल दो अलग अलग रंग के होते हैं, जबकि टैबलेट के साथ ऐसा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी राज को खोलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होती है मेडिसिन, उसमें जो कैप्सूल होती है वो आप खरीदते हैं, तो उसमें दो कलर होते हैं, ऐसा किस लिए होता है? दरअसल कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वह है जो सबसे लंबा होता है, उसमें दवाई का पाउडर भरा रहता है। इस पार्ट में दवाई भरने के बाद इसको पैक करने की बारी आती है। इसके पैक करने के लिए दूसरे कलर का कैप का इस्तेमाल होता है, जो कि पिछले पार्ट से लंबाई में छोटा और डायमीटर में बड़ा होता है। इस कैप का रंग दवाई भरे हुए पार्ट से अलग रहता है। इसके पीछे के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि ऐसा करने से प्रोडक्शन में आसानी रहती है। अगर कैप्सूल के दो पार्ट का कलर डिफरेंट होगा तो इसमें प्रोडक्शन में आसानी होगी। दूसरा इसलिए कि ये कैप्सूल को अट्रैक्टिव बनाता है। कैप्सूल दो कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। कई बार दवाइयों का कलर एक जैसा होने से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी दवाई खानी है। अलग अलग रंग की दवाई के कारण आसानी से पहचान में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैप्सूल के दो कलर क्यों होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।